हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे नए ब्यूटी ब्लॉग में। आज मैं आपके लिए लेकर एक बहुत ही बेहतरीन स्किन केयर रेमेडी जो आपके स्किन से सन टैन वगैरह की प्रॉब्लम हटाएगा। आपकी स्किन में अगर बहुत ज़्यादा एक्ने है, पिगमेंटेशन हो रही है, आंखों के नीचे कालापन आ रहा है, उन सभी समस्याओं को दूर करके आपकी स्किन को टाइट भी करेगा, ब्राइट करेगा, लाइट करेगा। तो क्या है यह रेमेडी, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपके किचन में बहुत ही अच्छी सामग्री होती है जो हर घर में होता है, वह है आलू। आलू में दोस्तों भरपूर मात्रा में स्टार्च होता है जो हमारे स्किन को टाइट करने में हेल्प करता है, हमारे स्किन को लाइट करने में हेल्प करता है, आंखों के नीचे कालापन है, होंठों के चार साइड कालापन है उसको ख़त्म करता है, उसके साथ एक्ने पिगमेंटेशन की समस्या है उसको ख़त्म करता है। तो इतनी अच्छी चीज़ें आपके किचन में है तो आपको रोज़ाना आपको आलू का इस्तेमाल करना चाहिए अपने स्किन के लिए। आपको रोज़ाना ये पैक बना करके आपकी स्किन में लगाना चाहिए, बहुत ही फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर एक आलू को लेकर के दोस्तों मैंने उसको अच्छे से पील तो कर लिया है, पील करने के बाद यहाँ पर मैं उसको कद्दूकस कर रही हूँ। कद्दूकस करके क्या होगा, इसका रस निकालेंगे। अगर आप कद्दूकस करने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं, सीधा के सीधा ग्राइंड करने से भी बहुत ही अच्छे से रस निकलता है। इसका रस दोस्तों काफ़ी अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए, बहुत ही बढ़िया, आपकी स्किन में बहुत सारी समस्याओं को ख़त्म करेगा, स्किन से रिलेटेड जैसे एक्ने पिगमेंटेशंस, उसके साथ साथ ही फाइन लाइन्स, उसके साथ साथ ही आंखों के काले घेरे, उन सभी को दूर करेगा। तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर मैंने ग्रेट कर लिया इसको, बहुत ही अच्छे से इसको कद्दूकस कर लिया है। अब यहाँ पर आपको एक कपड़ा चाहिए होगा, बहुत ही अच्छे से आपको जैसे कि कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, यहाँ पे कॉटन का जो कपड़ा होता है वो, या फिर इस तरीके का नेट वाला कपड़ा उससे, या फिर आपके पास अगर चाय छन्नी है, चाय छन्नी तो होगा ज़रूर, चाय छन्नी की मदद से आप इसका रस निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको इसका रस को निचोड़ लेना है। जब आप आलू के रस को थोड़ी देर छोड़ते हो ना तो उसका स्टार्च जो होता है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा, जैसे वो रस छोड़ते तो वो कैसे टाइट हो जाता है, तो उसका स्टार्च का भी एक अलग सा सेम वीडियो का अलग सा वीडियो मैंने बनाया है मेरे चैनल पर, आप ज़रूर विजिट करें, देखिए मेरे चैनल पर आलू के स्टार्च से आप कैसे रेमेडी बना सकते हैं अपने स्किन के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों अब इस रेमेडी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बेसन लिया है। बेसन नेचुरल स्क्रबर का भी काम करता है, फेस पैक वगैरह में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, हमारे स्किन को लाइट भी करता है, स्किन को ब्राइट करता है, एक्ने और सनटैन वगैरह की प्रॉब्लम को दूर करने में ये जो बेसन होता है बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। वैसे आप घर में बना करके भी बेसन यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा दरदरा वाला वो और भी अच्छा होगा। अब इस बेसन में आपको ऐड करना है आलू का रस। तो यहाँ पे आलू का रस आपको एक चम्मच या फिर दो चम्मच ही लगेगा। बचा हुआ आलू का रस जो है उसका यूज़ हम लास्ट में करेंगे, इस वीडियो क्लास में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे इसका यूज़ करना है। इस तरीके से आलू का रस प्लस बेसन को अच्छे से मिक्स करके हमने इसको बहुत ही बढ़िया एक तरह से पेस्ट जैसा बना लिया है। अब इसमें एक या दो सामग्री ऐड कर सकते हैं। तो ये है, मैं ले रही हूँ कॉफ़ी पाउडर। आपको पता है दोस्तों कॉफ़ी पाउडर कितना नेचुरल काम करता है हमारे स्किन के लिए, इसके बहुत ही बेनिफिट्स होते हैं हमारे स्किन के लिए, स्किन के दाग धब्बों को दूर करता है, स्किन में इसके बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होती है स्किन की उसको ख़त्म करने में कॉफ़ी हेल्प करता है। कैफीन की वजह से हमारे स्किन से एक्ने, पिंपल्स, पिगमेंटेशंस को ख़त्म करता है, कालापन ख़त्म करता है, दाग धब्बों को ख़त्म करता है। तो एक से डेढ़ चम्मच आपको कॉफ़ी का जो है पाउडर ले लेना है, इंस्टेंट जो आप कॉफ़ी बनाते हैं उसी में से कॉफ़ी आपको एक से डेढ़ चम्मच ले लेना है और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो बहुत ही बढ़िया, ये देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया इसका स्मूथ पेस्ट बन करके रेडी हो सकता है, हो जाता है एक बहुत ही बढ़िया फेस पैक। डेली फेस पैक के जैसा आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में, नहाने के पहले या फिर आप जब भी फ्री हैं उस टाइम पे आप इसको अपने फेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया सा रिज़ल्ट मिलता है। तो मैं यहाँ पर जो है इस फेस पैक को अपने पूरे फेस पर अच्छे से इवनली स्प्रेड करते हुए लगा लूँगी। इसके पहले मैंने दोस्तों इस फेस पैक के पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि मैं सेम आलू के स्टार से बनाया है, जो कि मैंने आपको बोला उसका बहुत ही बढ़िया स्क्रब भी रेडी किया था, वो भी इसका वीडियो आपको मिलेगा मेरे चैनल पे, आप चेक कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से मैंने इसको इवनली स्प्रेड कर दिया है, ये देखिए। आप चाहें तो यहाँ पर हाथों पर भी, पैरों पर भी लगा सकते हैं, और उसके बाद लगा करके 15 से 20 मिनट रखिए और फिर वॉश कर लीजिए। दोस्तों रिज़ल्ट आपको पहले बार के इस्तेमाल से ही दिखेगा, लेकिन अगर आप रेगुलर इसको यूज़ करोगे ना तो बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट मिलता है, स्मूथ स्मूथ सा फेस में दिखेगा, बहुत ही खूबसूरत। तो लास्ट में फ्रेंड्स इस फेस पैक के बाद यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि आलू का रस का यूज़ करेंगे, तो आलू का रस से इस तरीके से अपने कॉटन की मदद से पूरे फेस को वाइप कर लीजिए और इस वाले आलू के रस को आप जो है इमीडिएटली यूज़ कर लीजिए।
आप यहाँ पे फेस पे भी लगाने के बाद पूरे हाथों पे भी लगा सकते हैं। इसको लगाने के बाद आपको फील होगा कि आपका फेस थोड़ा टाइट टाइट सा फील हो रहा है, लगा करके एज इट इज अपने फेस पे छोड़ सकते हैं आप। और अगर रस आप इस तरीके से रेगुलर वे में भी लगाओगे उसके भी बहुत ही फायदे होंगे, बहुत सारी फेस की प्रॉब्लम, सन टैन की, डेड सेल की, ये सब प्रॉब्लम दूर होगा और आपका स्किन एकदम से खूबसूरत और ग्लो ग्लो करेगा। ट्राई कीजिए, बहुत ही ईजी और बहुत ही इफेक्टिव है, मुझे तो बहुत पसंद है, मैं हमेशा ट्राई करती रहती हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।